तो फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैंने ये एक सर्दियों के लिए स्पेशल मिठाई बनाई है। बहुत ही अच्छी और कम समय में बन गई है ये मिठाई, और हेल्दी भी है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई है ये। सर्दियों के अंदर आप इस मिठाई को बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हैप्पी न्यू ईयर पे भी बना सकते हो ये मिठाई, बच्चे भी बहुत खुश होंगे, बड़े भी खुश होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा दूं मैं अंदर से कितनी प्यारी लग रही है ये मिठाई। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है मैंने। तो अब ये हम इसके अंदर सबसे पहले ये चकुंदर ग्रेट किया हुआ ये डाल देंगे, और फिर इसके अंदर ये गाजर ग्रेट की हुई डाल देंगे। इसको हम चलाते हुए ऐसे ही इसको पका लेंगे, ये घी के अंदर अच्छे से भून लेगा। अभी इसको जैसे जैसे घूमता जाएगा, इसमें जैसे चेंजेस आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो ये घी के अंदर भून रहा है। मैंने दूसरा पैन चढ़ा दिया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये दूध। दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने तो ये दूध लिया है 1/2 kg। ये देखो, इसके अंदर चकुंदर ने गाजर को भी रेड रेड कर दिया है और दोनों ये मिक्स होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पक रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखते ही देखते हमारा दूध उबलने लग गया है। तो अब हम इसको चला देंगे थोड़ा सा और इसको अब उबलने देंगे। तो ये दूध उबल रहा है, ये देखो एकदम पूरा रेड हो गया है। अब पता नहीं चल रहा, इसमें हमने गाजर भी डाली थी और ये देखो एकदम पूरा मिक्सअप हो गया है। तो अब हम इसके अंदर, ये सूख रहा है देखो इधर से, तो ये सूखता जा रहा है। तो अब हम इस ग्रेट गाजर और चकुंदर के अंदर ये पक चुकी है, तो अब हम ये चीनी डाल देंगे। तो ये चीनी मैंने डाल दी है, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने तो ये 4 चम्मच बड़ी चीनी डाली है। हम ये दूध में भी चीनी डाल देते हैं, तो मैं दूध के अंदर 2 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि दूध हम पका रहे हैं। जब ये उबल उबल कर कम हो जाएगा तो ये चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी, तो इसलिए हमने 2 ही चम्मच डाली है इसके अंदर। इसको हम दूध को गाढ़ा करेंगे उबाल उबाल करके। ये ले रही हूँ मैं ड्राई कोकोनट का बुरादा है ये बाजार वाला, तो इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये भी इसी में डाल देंगे, ये 1 स्पून डाली है मैंने। देखो देखो, अब ये थोड़ा थिक होने लगा है, इस तरीके से थिक हो गया है। तो अभी हम इसे और पकाएंगे, लेकिन इसे नीचे से चलाते रहेंगे, लगे नहीं इसलिए। देखो कितना प्यारा कलर आ गया है, पूरा एकदम ऐसे लग रहा है जैसे ये सारा ही चकुंदर से बना है। तो ये एकदम बन चुका है, ये सूख भी गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मैंने इलायची ली है, तो थोड़ी सी इलायची मैं इसके अंदर डाल दूंगी, थोड़ी सी इलायची मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने दोनों में डाल दी है इलायची। देखो कितना थिक हो गया है, और अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। ये मैंने इस चम्मच से ये एक साइज बना लिया है, इसके अंदर भर के मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखो मैंने इसमें भर लिया है, ऐसे ही लड्डू बना लूंगी मैं। ये बन चुका है और मैंने इसको इसमें निकाल दिया है, और ऐसे ही मैं इसके सारे लड्डू बना के दिखाती हूँ आपको। मैंने 5 लड्डू बना दिए हैं, एक मैंने अलग प्लेट में बनाया है और ये 4 लड्डू इसने बना दिए हैं। तो ये हमारी रबड़ी देखो ठंडी हो गई है, ये भी इस तरीके से हो चुकी है। और अब हम ये रबड़ी इसके ऊपर डाल देंगे। तो सबसे पहले दिखाऊं, मैं इसके ऊपर डाल रही हूं ये रबड़ी। ऐसे ही करते हुए मैं सभी के ऊपर ये रबड़ी डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सभी के ऊपर ये रबड़ी डाल दी है, और ये मैं लगा देती हूं इस पे थोड़ा सा चांदी कवर। तो ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो लगा दो, वरना कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसको चांदी कवर लगा दिया है, तो आपको मैं दिखाती हूँ इसको। देखो ये कैसी बनी है हमारी मिठाई। तो देखो ये, अब हम इसको इस तरीके से खाएंगे तो कितनी बढ़िया लग रही है ये मिठाई। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी न्यू मिठाई बनानी पसंद आई है तो
जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक यू फ्रेंड्स।